अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी वाला हरा चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये ग्रीन चिकन की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है, आप इसको ईद स्पेशल रेसिपी में भी शामिल कर सकते हैं। आप इसको बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे और 1 बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 मिनट तक फ्राई करेंगे इसकी प्यारी सी खुशबू आने तक। आप इसको एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। अब यहाँ पर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर चिकन की भुनाई कर लेंगे। जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम भुनाई करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। दोनों मसालों को मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 छोटी कटोरी दही ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि जो पानी है इसका वो ड्राई हो जाए, मसालों से ऑयल पूरी तरह रिलीज़ हो जाए। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक ग्राइंडर लेंगे। ग्राइंडर में जो प्याज गोल्डन ब्राउन किए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ हरी मिर्च में बनाऊँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे और कुछ पालक के पत्ते ऐड कर लेंगे और इन सब का एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर चिकन की भी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। अब जो हमने हरा मसाला बनाया है वो ऐड कर देंगे। अब इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी भुनाई कर देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। तो अब चिकन को टेंडर करने के लिए 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून। अब चिकन मसाला तैयार है। तो अब हमारा ग्रीन ग्रेवी चिकन मसाला तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमने इसको बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बना लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।